प्यारे मित्रों, यदि आप भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जानेंगे कि इंदिरा एकादशी क्या होती है, इसका व्रत क्यों किया जाता है, साथ ही साथ हम जानेंगे दान पुण्य का महत्व क्या है, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा व्रत हमें करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, पूरी पूजा विधि आपको बताऊँगी। साथ ही साथ वर्ष 2022 में इंदिरा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त भी आज हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक और ध्यान से अवश्य देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी श्राद्ध का महत्व। जी हां दोस्तों, पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व तो है ही। इस दिन एकादशी का श्राद्ध भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु एकादशी को होती है तो ऐसा माना जाता है कि वे सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी के दिन श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के श्राद्ध को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्यारे भाई बहनों, पितरों के अंतिम कर्म में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी या फिर त्रुटि रह जाती है या वे स्वयं किसी पाप कर्म के भागीदार रहे हैं तो वे मोक्ष के लिए भटकते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पितरों को कष्ट भोगना पड़ता है और इस कारण वे अपने वंशजों को भी चैन से जीने नहीं देते हैं। पृथ्वी पर निवास कर रहे उनके वंशजों को आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जैसी अनेक परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, यदि आप इंदिरा एकादशी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने ये नाम पहली बार सुना है तो आपको विस्तार में बताती हूँ। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वो इंदिरा एकादशी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है। मान्यता है कि यदि कोई भी पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो उनके वंशज इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करें और इसका पुण्य फल जो है पितरों को दे दें तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु के बाद व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। यानी कि आप जब व्रत करते हैं इसका इंदिरा एकादशी का तो आपके पूर्वजों को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ जो भी व्रत कर रहा है उसे भी बोलते हैं, उसकी भी आत्मा को शांति मिलती है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी वैकुंठ में निवास मिलता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, विविध एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको अवश्य ही समझ में आ रही होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना। इस प्रकार के और भक्ति से जुड़े हुए शुभ दिन दिनांक से जुड़े वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं तो कोई वीडियो आपसे ना छूटे उसके लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा दोस्तों, कि हमारे एक मित्र का कमेंट आया था कि मैडम बाकी तो एकादशी का व्रत जो होता है हम अपने लिए करते हैं किंतु जो हमारे मृत पूर्वज हैं उनके लिए कौन सी एकादशी का व्रत होता है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि आप अपने पूर्वजों के लिए या फिर मृत माता पिता के लिए कर सकते ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी उनकी आत्मा है, यदि किसी भी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या चली आ रही है और आपको यदि किसी भी पंडित ने ऐसा बताया है कि आपके पूर्वज जो है वो असंतुष्ट हैं, वो प्रसन्न नहीं है, उस समय आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि जो भी माता पिता, मृत माता पिता जिनको आप कुछ भी देना चाहते हैं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो आप उन्हें और कुछ नहीं दे सकते हैं, तो आप इंदिरा एकादशी का यदि व्रत करते हैं और जो उसका फल मिलता है वो आप उन्हें अवश्य ही दे सकते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे दोस्तों, ऐसा करने से उनकी आत्मा को तो शांति मिलेगी ही, जो भी आपके पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मृत्यु के बाद जो व्रत कर रहा है उसे भी वैकुंठ में निवास मिलेगा। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करना भी बहुत उत्तम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये पूर्वजों के लिए किया जाता है और उन पूर्वजों के लिए जो कि अब नहीं है उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें, भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर पर गंगाजल, पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाकर भोग लगाएं। प्यारे मित्रों,
यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती जरूर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान अवश्य ही करें। ध्यान रखें कि दान आपको यहाँ पर ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। जितना भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। वस्त्रों का दान कीजिए, आप धन का दान कीजिए, अन्न का भी आप दान कर सकते हैं, किंतु दान आपको अवश्य ही करना है। मित्र, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। किस दिन होगी इंदिरा एकादशी? दोस्तों 2022 में इंदिरा एकादशी कब है? जी हां दोस्तों, 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को ये व्रत किया जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, या फिर अपने मृत पिता के लिए, माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इंदिरा एकादशी का व्रत आप अवश्य करें और उस दिन दान पुण्य करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी, साथ ही साथ आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं है, आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो को पसंद किया है, वीडियो आपको समझ में आया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो वो आपसे ना छूटे और हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।